एके मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी मिश्रा जी, हम चर्चा इस पर कर रहे थे कि ये गठबंधन के टेस्ट में पास हो गया 2019 के लिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं एक टर्म बार बार यूज करता हूँ, पॉलिटिकल मायोपिया या पॉलिटिकल इल्यूजन। विपक्ष को मेरी बड़ी विनम्र सलाह है कि आप इसको यह मत देखिए कि आप यहाँ जीत गए हैं तो आप 2019 में जो है आप जीत जाएंगे। देखिए, फुल स्केल वॉर और लिमिटेड वॉर में बड़ा फर्क होता है। पूरे इलेक्शंस को, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को मैं किसी एक जंग या वॉर से कम नहीं मानता हूँ। तो फुल स्केल वॉर जब 2019 पे होगा तो वहां मुद्दे, वहां डायनामिक्स, मैं बोलता हूँ कि चलिए एक जरा फर्ज करिए, एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, 2019 में अगर ये मान लीजिए 2019 या स्टेट का इलेक्शन होता है, ये दोनों पार्टी गठबंधन बनाने जा रही हैं, तो सबसे पहला झगड़ा तो इसी चीज पे होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, लीडर कौन बनेगा। आपको लगता है कि बहन जी यानी मायावती जी, जिनका जिनकी सोच जो है, मतलब मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या इस चीज से कंप्रोमाइज करेंगे कि भाई जीत के बाद एक जो है मतलब उनसे आधी उम्र का एक लड़का मुख्यमंत्री बन जाए? कभी नहीं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी वाले भी ये बोलेंगे कि भाई जीतेंगे तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा रास्ते में आ जाता है। सेम इज द कंडीशन कि अगर आप सेंटर में जब जाएंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि भाई जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस हमेशा चाहेगी कि उनके कैंडिडेट जो है या उनके अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन को मिटाना, इरेज करना या इसका सलूशन लेना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल चीज है। विपक्ष जल्दी से इस चीज पे एकत्र नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए, बीजेपी को मैं आपको फिर मानूं, मैंने ठीक अभी जो बीजेपी के नेता बोल रहे थे ये चिंता का विषय नहीं है, उनके ठीक 5 मिनट पहले मैंने यही बोला था कि बीजेपी के माथे पे, टॉप लीडर पे चिंता की कोई लकीरें नहीं दिख रही है। हार गए बहुत कैजुअल वे में ये लोग ले रहे हैं, हार को हार की तरह नहीं दिख रहा। जैसे देखिए बिहार में जब ये हार गए थे तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, बीजेपी के जितने टॉप लीडर थे, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, पॉलिटिकल काइनेसिस एनालिसिस करने से। यहाँ पे तो ये लग ही नहीं रहा है बीजेपी, जैसे कि ये प्रिपेयर्ड थे भाई, ठीक है हार जाएंगे, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। और ये फैक्ट है कि हार या जीत से बीजेपी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चेंज होने वाली है। बीजेपी 2019 के इलेक्शन में है, हारने के बावजूद भी, देखिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हारने के बावजूद भी बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं कि जी हम, देखिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि उसने इन सब चीजों पे नहीं सोचा था कि बीएसपी क्या कर लेगी, सपा क्या कर लेगी। वो हर चीज के लिए तैयार है, उसके पास मैन पावर इतना है, सब कुछ है, सारी नीति रणनीति वगैरह सब कुछ वो 2 साल पहले से शुरू करते हैं, हर ऑप्शन के लिए वो तैयार रहते हैं। इसको बीजेपी की हार को, देखिए गुजरात में बीजेपी की हार के लिए मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये था कि बीजेपी ये चुनाव जीत कर के भी हार गई है। 7-6-7 सीटों से जीतना हारना बीजेपी जैसे, उसके लिए वो, मैं उसको जीत नहीं मानता हूँ। इसके लिए भी अगर ये यहाँ पे विपक्ष जीतता है तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये रहेगा कि ये जानबूझ करके जो जीत का गेंद है वो विपक्ष के पाले में बीजेपी ने डाल दिया है, और उसके कई रीजन है। इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को कई फायदे उससे मिलते हैं। 2019 के इलेक्शन से मैं इसको कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष के लिए मेरी शुभकामना ये है कि इससे विपक्ष को फायदा ये होगा कि इतने दिनों से जीत का जो अकाल पड़ा था, पार्टी में जो जोश नहीं था कार्यकर्ताओं में, ये उनके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। आप देखिएगा पूरी पार्टी के लोग लामबंद हो जाएंगे, सारे कार्यकर्ता एक बार उत्साहित हो जाएंगे, 4-6 दिनों तक मिठाई बटेगी, पार्टियां मतलब कि इनके पार्टी ऑफिस में सारे नेता लोग मिलेंगे और फिर बोलेंगे कि 2019 में भी कुछ ऐसा किया जाए, एक्टिव हो जाएंगे। ये लोग जो अभी डोरमेंट फेज में चले गए थे, बीजेपी ने इनको डोरमेंट फेज में डाल दिया था, अब ये फिर से सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। मैं तो देखिए, मैं बोलता हूं कि राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई पार्टी विपक्ष में हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष एकदम शांत बैठ गया है, उनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, अपोज करने के लिए भी कुछ नहीं है, और कमोबेश सिचुएशन ये हो गई थी। जब आपके रिप्रेजेंटेटिव हाउस में नहीं है, लोकसभा में, विधानसभा में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ये एक घटना ऐसी है जिससे कि विपक्ष जो है पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, और कांग्रेस भी एक्टिवेट, और दूसरी और विपक्ष की पार्टियां हैं वो पूरे देश भर में एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी 2019 के चुनाव में, और बहुत जीतोड़ मेहनत उनको एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन इस सबके बाद में जो टेस्ट हमें गठबंधन का होते हुए देखना था, जैसा आप बता रहे हैं कि 2019 में कोई गारंटी नहीं, अगर आप अभी पास हो गए, क्योंकि वो सिनेरियो अलग होगा, उस इलेक्शन की डिमांड अलग होगी, उस इलेक्शन का माहौल अलग होगा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर बीजेपी को नफा हुआ, नुकसान हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे जो इलेक्शन का जो मतलब होता है कि भाई किसको कितने वोट मिले, किसको ज्यादा मिले वो जीत गया, तो रिकॉर्ड में तो ये एज ए जीत की तरह ही दर्ज किया जाएगा और सेलिब्रेशन भी विपक्षी पार्टियां जीत के लिए करेंगी। अगर माइक्रो रणनीति के ऊपर अगर हम जाएं तो मैं बोलूंगा कि बीजेपी के लिए ये कई मामले में फायदेमंद जो है। देखिए बीजेपी, मैं अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। देखिए सबसे बड़ा आर्ट क्या होता है राजनीति में या जिंदगी में, सबसे बड़ा आर्ट ये होता है कि आप अपनी कमजोरी को भी आप अपनी ताकत में बदल दीजिए। ये बीजेपी के पास बड़ा अच्छा हुनर है। देखिए अब बीजेपी सबसे पहला क्या होगा, अब इसके बाद इस जीत के बाद विपक्ष की ये हिम्मत नहीं होगी कहने की कि जी ईवीएम सेट कर लिया है बीजेपी ने। बिल्कुल। अब विपक्ष कैसे बोलेगा, बीजेपी तुरंत बोलेगी कि अगर जी ईवीएम में सेटिंग होती तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हम सीट क्यों हारते। ठीक है, तो सुधींद्र भदौरिया को आपने सुना। तो ये जो कहने का मतलब था एके मिश्रा जी, ये तो ये हुआ कि उम्मीद अभी बाकी है कि ये गठबंधन जो हुआ है और ये जीत है, इसमें हमने भी इनिशिएट लिया है, हमारा भी इसमें योगदान है और आप हमारे नेता को भी अपना नेता मानकर चले, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं। भदौरिया जी ने जैसे अभी बोला, देखिए मैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस, जब आप किसी चीज को अप्लाई करने जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है। उन्होंने बोला कि भाई अब हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये उठता है कि लोहिया जी की विचारधारा आगे बढ़ेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आड़ेगी, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों विचारधाराएं जा करके आपस में टकरा जाए और दोनों ही ना बढ़ पाए। क्योंकि बसपा का अगर देखें तो ये बोलेंगे कि जी हर जगह आप हाथी बनवाओ, हाथी के पार्क बनवाओ। समाजवादी पार्टी बोलेगी कि लेट्स पेंट द टाउन रेड, कि हर चीज को आप रेड करना शुरू करो, चाहे वो बस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो हो। देखिए यहाँ पे ये एक वक्त की ऐसी जरूरत थी अपनी अपनी जान बचाने के लिए कि इन दोनों लोगों ने जो दो धुर विरोधी पार्टियां थी वो एक हो गई, और ठीक है उसका रिजल्ट इनको पॉजिटिव मिला। लेकिन प्रैक्टिकल देखिए, बीजेपी और बसपा का भी यूपी में गठबंधन हुआ था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, 2.5 साल मायावती जी ने पूरा कर लिया, और जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो वहां पे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं जब निजी इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट। देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 235,254 वोट, एक बड़ा अंतर जो इस वक्त सामने आ रहा है। सीएम डिप्टी सीएम की सीट पर सपा को भारी बढ़त की इस वक्त खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 25वें राउंड की काउंटिंग है जो पूरी हो चुकी है, और 25वें राउंड की काउंटिंग में सपा प्रत्याशी 38,498 वोट से आगे। अब तक 25वें राउंड की काउंटिंग जो है वो सपा को 271,000 से ज्यादा की बढ़त, बीजेपी भी 235,254 वोट बीजेपी को अब तक मिले हैं। 22वें राउंड की काउंटिंग गोरखपुर में पूरी हो चुकी है और फूलपुर में 25वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जी एक मिश्रा जी, जी देखिए अच्छा है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक चीज बोला था, एक लाइन बोला था, मुझे याद है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी दोनों सीटों पर भी हार जाए, जो कि अब ये होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से शायद ये चीज किसी और ने नहीं बोली होगी, और ये कुछ सोच के मैंने बोली। इसका मतलब सिर्फ गठबंधन का वोट बैंक मिल जाना है ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। ये तो वो चीज है कि एक रोटी चार हिस्सों में बट गई, तीन हिस्से एक हो गए, एक हिस्सा अकेला। ये प्योर स्ट्रेटजिक रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं। ये सिंपली ये है कि आप एक पाई को या एक रोटी को कितने पार्ट में बांट सकते हैं। और इसका एक और मतलब है, मैं आपको देखिए भारतीय जनमानस का जो स्वभाव है, मास अगर उसको लेंगे या क्राउड जो वोटर का होता है, ऐसा नहीं, देखिए वो तो एक दिन में भी पलट जाता है, एक हफ्ते में भी पलट जाता है, बशर्ते कि उस तरीके का माहौल या कैंपेनिंग किया जाए। मैं फिर से बोलता हूं कि भाई जीते हैं अच्छी चीज है, जो जीते हैं वो जश्न तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन लॉन्ग और टर्म में अगर ये देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ये अनंतिम है और ये ट्रेंड हमेशा आगे चलता रहेगा। इसके लिए अभी भी विपक्ष को बहुत काम करना है, कैसे गठबंधन बनाना है, क्या मुद्दे होंगे, कौन नेता होगा, ये सारे पर्सनल इंटरेस्ट जब कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू होंगे ना तो पता चलेगा कि वहां पे तो गठबंधन ही नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, ये एक बहुत लिमिटेड फेज का, लिमिटेड लोकेलिटी में ये वार था, और लिमिटेड लोकेलिटी और लिमिटेड फेज का जो वार होता है उसके रिजल्ट, उसके डायनामिक्स अलग होते हैं, और मास स्केल पे जब वार होता है जहां हर चीज ओपन होती है तो उसके डायनामिक्स और उसके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये तस्वीरें और देख लीजिए, दर्शकों को हम दिखा दें कि देखिए अब होली भी होने लगी है। होली अभी निकल चुकी है लेकिन ये होली एक बार फिर से मनाई जा रही है, त्योहार एक बार फिर मनाया जा रहा है। ये होली और दिवाली का जश्न सिर्फ जीत का जश्न है सपा बसपा का। एके मिश्रा, इसको हम ऐतिहासिक
विजय कह सकते हैं जो पहली बार दो विरोधी पार्टियों ने मिलकर जीत हासिल की हो? नहीं, विजय को मैं ऐतिहासिक नहीं मानता हूं, लेकिन जो दो विरोधी पार्टियों का मिलन हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक जरूर है। देखिए उसका रीजन है, अगर आप दो एक एक पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टी में कितने कंपोनेंट होते हैं। देखिए सबसे पहला कंपोनेंट होता है पार्टी की आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे पार्टी हमेशा चलती है, कोई डिसीजन लेती है। समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो समाजवाद का है, लोहिया जी से लिया हुआ है। बसपा का जो अपनी आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को फॉलो करती है। तो ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दोनों में बहुत सारे पॉइंट सेफ भी होते हैं। इसके साथ आप इंडिविजुअल देखिए, जो इंडिविजुअल तकरार होती है, गैप होती है, सपा बसपा में जबरदस्त इतने तरीके से विरोध रहे हैं, गेस्ट हाउस काम और इन सब चीजों के, ये सोचा नहीं जा सकता है कि दो इतने विरोधी जो है एकदम आ करके एक हो जाएं। ये ऐसे तो अस्तित्व खत्म हो रहा हो तो फिर तो हाँ, कोई नहीं देखिए ये ऐसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान ये डिसीजन ले ले कि चलो जी अब हम फिर से एक होते हैं, हम अमेरिका से कंट्री है, अमेरिका से हम अमेरिका से भी बड़े हैं। तो ये अब इसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर क्या था? तो मिश्रा जी ये खुशी वाकई इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी है जो कार्यकर्ता है, ऐसे मोदी राज और योगी राज में जब समाजवादी पार्टी दो सीटें निकाल ले जाए वो भी गढ़, तो ये पागलपन तो हो नहीं है। नहीं देखिए मैंने आपको बोला नहीं, ये इसको देखिए क्या है, जब कोई जीतता है तो उसको खुशी मनाने का भी अधिकार होता है, और इस हद तक जश्न कि आप दीवाने हो जाएं जश्न। नहीं नहीं देखिए जश्न मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। भारत भूमि अपने आप में जश्न का, तीज का, त्योहारों की भूमि रही है, और यहाँ पे हर छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय किया जाता है, चाहे एक मतलब घर में किसी की पैदाइश हो या कुछ भी हो। तो मैं मानता हूं कि अगर ये लोग जीत रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनका अधिकार है कि ये जश्न को मनाया जाए, और हर जीत चाहे वो आप देखिए, चाहे आप एक साल के बच्चे हो, चाहे आप 80 साल के बुढ़े हो जाएं, जीत का अपना एक ही टेस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जीत का पड़ता है वो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जश्न मनाना लाजमी है, और इनको बधाई देनी चाहिए कि आप जश्न मनाइए। ये जश्न अभी कुछ और दिनों तक चलता रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जीते हैं तो डेफिनेटली ये जश्न का और उत्सव का मौसम है, मौका है ये उन पार्टियों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग ये जीते हैं। लेकिन इस सीट पर फूलपुर और गोरखपुर में जनता का भविष्य क्या होगा? नहीं देखिए देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, मैं तो आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी सरकार। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता फोनलाइन पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो जीत है टेक्निकल जीत है, यानी कि एक रोटी के चार हिस्से हो गए, तीन हिस्से मिल गए, आप अकेले पड़ गए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये टेक्निकल जीत है, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो ये मियरली टेक्निकल जीत है। टेक्निकल जीत है, टेक्निकल जीत है, टेक्निकल जीत आगे तक खड़ी रहेगी, इसका मुझे भरोसा कम है जरा। तो इसके लिए फिर आप लोगों को अपनी रणनीति में बदलाव तो करने ही पड़ेंगे ना, सिर्फ जनता के बीच जाकर होगा जरूर किया जाएगा। और हम ये नहीं कह सकते कि जनता नाराज थी आपसे? नहीं, जनता की नाराजगी नहीं कहना कि वो तीन रोटी और एक टुकड़े का सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए, हिंदी खबर से बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी नेता आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समीक्षा का दौर है, समीक्षा की जाएगी, अभी नतीजे आने बाकी हैं, अभी 20वें 22वें 25वें राउंड की काउंटिंग जो है वो खत्म हुई है गोरखपुर में, फूलपुर में लगभग सवा दो लाख वोटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। नतीजे में आपको लगातार बता रहे, बीजेपी गोरखपुर में 294,947 वोट बीजेपी को मिले हैं गोरखपुर में, फूलपुर में 26वें राउंड में सपा प्रत्याशी 39,681 वोट, और फूलपुर में 25वें राउंड तक सपा को 281,445 वोट अब तक मिले हैं। इसके अलावा फूलपुर में 25वें राउंड में बीजेपी को 241,764 वोट से आगे है। गोरखपुर में 21वें राउंड की तक काउंटिंग में सपा प्रत्याशी जो है वो 26,146 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में 21वें राउंड की काउंटिंग तक सपा को 321,000 के आसपास वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो एक मिश्रा जी, ये जैसा कि आकलन अगर हम करें तो ये बात सच है, मतलब बीजेपी ने काम किया नहीं किया, जनता उन्हें नकार रही है, स्वीकार कर रही है, समाजवादी पार्टी के काम का जनता ने उनको इनाम दिया है, गठबंधन की शक्ति कम से कम दिखी है, और इस पर बीजेपी को अपनी आगामी स्ट्रेटजीज पर काम करना पड़ेगा समीक्षा से ज्यादा।
नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, एक पूरे इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्शन कैंपेन को चार पार्ट में बांटा जाता है, स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल। स्ट्रेटजिक का मतलब आप समझते हैं, जहां स्ट्रेटजी बने। टैक्टिकल का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल पे उस एरिया में आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, रणनीति सबने अपने अपने समझ के अपने हिसाब से बनाई थी। सपा बसपा की जो रणनीति थी वो भी सही रही और ग्राउंड लेवल पे इन्होंने उसको एक्टिवेट या इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इन कंपैरिजन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी में आंतरिक समीक्षा भी बहुत गंभीरता से होती है। इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, एक दो इलेक्शन जब ये हार गए थे दिल्ली का और बिहार का, तो इन्होंने अपने पूरे रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन किया। दूसरी पार्टियों में मुझे थोड़ी इसकी कमी नजर आती है, वो समीक्षा को बस ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं और एक प्रेस रिलीज उन्होंने कर दिया कि भाई ये रहा वो रहा, वो हार को मानते भी नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको फिर बता दूं, बीजेपी की जो सेंट्रल कमांड है इस इलेक्शन की हार या जीत के मायने को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है सर, भले ही कुछ भी हो, सारी चीजें हो। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे, इनकी जीत जो विपक्षियों की हुई है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे भी निर्भर करती है कि जो बीजेपी थी, जो मेन इनके अपोनेंट थे, उन्होंने कितना सीरियस इफर्ट वहां पे डाला है। तो ये दिखता है कि कितना सीरियस इन्होंने इफर्ट डाला है, क्योंकि सेंट्रल टीम से सपोर्ट नहीं था, सब कुछ लोकल लेवल पे होना था। और ऐसा नहीं है सेंट्रल टीम ने जानबूझ के सपोर्ट नहीं दिया, लोकल इलेक्शन है तो लोकल लोगों के ही वहां पे सारे मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक और टैक्टिक्स लगती है। उतने इक्विपमेंट, टूल्स एंड टेक्निक उतना मास लेवल पे नहीं होता है। मैंने आपको बोला है लिमिटेड वॉरफेयर एंड ओपन या फुल फ्लैग वॉरफेयर में टोटली बहुत डिफरेंस होता है। तो ये लिमिटेड वॉरफेयर था, और लिमिटेड वॉरफेयर में जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर आप देखिए, तो वहां पे जो लोकल लोग हैं, वहां के रहने वाले, वही लोग जीतते हैं, क्योंकि वहां के लोकल सारी चीजों को वो जानते हैं, रास्तों को, जंगल को, इन सब चीजों को। मास लेवल पे अगर वार होता है तो मास लेवल पे एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं बहुत बड़े लेवल पे करने वाले, वो लोग जीतते हैं। तो ये एग्जाम्पल, ये रिजल्ट, ये इलेक्शन, ये जो दोनों है, ये एग्जाम्पल इस चीज के बहुत बेहतर एग्जाम्पल है कि मास लेवल पे जो होता है और जो एक टेक्टिकल लेवल पे होता है, एक लिमिटेड एरिया में जो वॉरफेयर होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसमें, इस पूरे इलेक्शन में। चलिए, हम बात बसपा की और सपा की कर रहे हैं, हमें इस बात को भी नहीं भूलना है कि पिछला विधानसभा चुनाव में गठबंधन कांग्रेस के साथ था, अभी आप बसपा के साथ आ गए हैं। 2019 में क्या होगा इसका पता नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी डिनर में समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से हालांकि कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ नुमाइंदे उन्होंने भेजे हों वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर क्या आगे की भविष्य आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि 2019 में ये सरकार को रोकने के लिए, बीजेपी के इस विजय अभियान को रोकने के लिए क्या स्थिति बन सकती है? नहीं देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको देखिए बहुत डिटेल, इस पे तो पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है कि स्ट्रेटजिक यूएसपी बीजेपी का क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर बीजेपी में ऐसी क्या खास बात है कि वो हर जगह चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, ऐसे क्या नेचुरल फैक्टर है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजिक चेंजेस किए हैं, उनकी टैक्टिकल यूएसपी क्या है, उनकी टेक्निकल यूएसपी क्या है और उनका ऑपरेशनल यूएसपी क्या है। देखिए, अगर गठबंधन हो भी जाए तो एक क्वेश्चन मार्क और होता है। मैं बोलता हूं, आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या बहुत सारी जगहों पे देखिए कि कई सेनाएं मिल गई या सारी चीजें हुई, लेकिन जीत किसी और की होती है। जीत केवल गठबंधन या बहुत बड़ी संख्या के कारण ही निर्भर नहीं होती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा दल है। जीत जो है स्ट्रेटजी, रणनीति, टैक्टिक्स, इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर भी निर्भर करती है। यही रीजन है कि जब इन्होंने, बीजेपी ने बदला तो 60-70 साल से जो कांग्रेस का, सपा बसपा का शासन था, इन्होंने उखाड़ फेंका उसको, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल जीत थी वहां पे। तो लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी यूएसपी होती है जो समझना चाहिए, कि लोगों के मनोभावों को, मास साइकोलॉजी को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, रणनीति बनाना अपने अंदर ऑफिशियल। उसमें अगर देखा जाए तो जो इनको चेंजेस लाने होंगे सारी पार्टियों को, जो उनका क्रियान्वयन करने के लिए जो उनको फोर्स चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है, वो अभी भी उन लोगों के यहाँ उतना डेवलप नहीं है। तो उसको डेवलप करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपने नेटवर्क को बनाना, रिवाइव करना, कॉन्टिन्यूस वे में उसको जो है प्रोडक्टिव बनाना, ये सारे ग्राउंड लेवल के बहुत चैलेंजिंग काम है। और मुझे ये लगता है कि एक साल का टाइम इतना सफिशियंट टाइम नहीं है कि इतनी तेजी से ये काम करें।
देखिए बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन के 2-4 साल पहले से ये चीजें शुरू कर दी थी, और बीजेपी के पास एक बहुत एडिशनल मैन फोर्स है, मैन पावर है आरएसएस, तो उन आदमियों को लगा करके वो बहुत तेजी से काम कर लेते हैं। यहाँ पे इन चीजों का अभाव मुझे विपक्ष के पास दिख रहा है, जो कैडर बेस की अगर मैं बात करूं, और उसके बाद इन सारी चीजों को टेक्नो सेवी बनाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्ट्रेटेजिक ब्रेन लाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन ये है कि लिमिटेड टाइम में अगर ये देखा जाए, दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा तो 7-8 महीने 9 महीने बचे हैं, तो इस महीने में आप अपने आप को ओवरहॉल कर पाओगे कि नहीं, आप मॉल्टिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये चैलेंजेस है प्रैक्टिकल, और इसको देखना है कि विपक्ष की पार्टियां और इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो अपने इंटरेस्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने बोला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, विपक्ष का ये पक्ष का या विपक्ष का लीडर कौन बनेगा, इस सीट पे कौन लड़ेगा, किसके खाते में ये सीट जानी चाहिए, ये बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो चलिए अपडेट आपके पास लेकर आते रहेंगे, अभी काउंटिंग लगातार चल रही है, क्या रुझान क्या नतीजे निकल कर आते हैं, हिंदी खबर आपको बताता रहेगा, आप देखते रहिए हिंदी खबर। फिलहाल हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।